हाँ जी काय का आत्मा क्राइस्ट की आत्मा आप क्राइस्ट की आत्मा किसे कह रहे हैं? आधार मूर्त को, बीज मूर्त को या सूक्ष्म बीज को? अरे किसमें प्रवेश करेगा क्राइस्ट? क्राइस्ट की आत्मा जो 2000 साल पहले आई थी वो प्रवेश किसमें करेगी? है जीसस। वो जीसस नामधारी व्यक्तित्व, वो आत्मा कहाँ होगी? अभी ब्राह्मण परिवार में होगी, वो ही आधार है। तो क्या हुआ? आखिरी जन्म में जो क्रिश्चियन जन्म का है, धर्म का है, वो आखिरी जन्म में कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन धर्म में नहीं जा सकता? तो बाबा भाई बोले हैं रॉबर्ट भाई ईस्टर्न का बीज। हाँ हाँ, तो आधार मूर्त है। हाँ जी, आप तो क्राइस्ट का विकार रूप कैसा है, क्या है? वो अभी ज्ञान में ही नहीं है। जो ऊपर से आने वाला क्राइस्ट है वो ज्ञान में है अभी। वो निकलेगा तो क्रिश्चियंस निकलेंगे, जो अपने धर्म के पक्के हैं। अपने धर्म के जो पक्के क्रिश्चियंस हैं वो अभी निकल रहे हैं कि कन्वर्ट होने वाले निकल रहे हैं? कन्वर्ट होने वाले निकल रहे हैं। स्वर्णिम संगम युग उसे कहेंगे जहाँ प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल जहाँ शूटिंग होती है उसे कहेंगे स्वर्णिम। वो भी चार अवस्था, बिल्कुल चार अवस्थाओं से पसार होना चाहिए। सबके लिए थोड़े ही होगा, जो पावरफुल आत्माएं होंगी उनके लिए सदैव चढ़ती कला रहती है कि कमजोर आत्माओं के लिए सदैव चढ़ती कला रहती है? उसमें तो चार अवस्था होने से उसको बड़ा पंक्ति का गास तो हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे सुंदर युग है। हाँ, तो चारों अवस्था से गुजरने से उसको उसमें सबसे सुंदर युग क्यों है? क्योंकि सबके पार्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। हाँ, तमोगुणी अवस्था होगा और चेता का सतगुणी अवस्था, इसमें अच्छा पाला का अच्छा युग कौन सा है? सतयुग का तमोगुणी अवस्था और चेता युग का सतगुणी अवस्था। तमोगुणी अवस्था त्रेता की सतोगुणी अवस्था से भी अच्छी है, क्योंकि त्रेता की सतोगुणी अवस्था में कलाएं कम होंगी या सतयुग की आखिरी अवस्था में कलाएं कम होंगी? ज्यादा कलाओं वाला कौन सा होगा? सतयुग की लास्ट कला वाला, वो त्रेता के फर्स्ट से भी ज्यादा होगा। दापुर से तो आठ कला से नीचे हो जाता है। थोड़ा से आठ कला से नीचे होगा तो दुख तो आएगा। दुख आने से तो जीव तो गिरा जाएगा। तो दापुर का 500 साल दिन नहीं गिना जाता है। दिन नहीं गिना जाता? तो बाबा बोलते हैं कि इब्राहिम का 500 साल बाद मतलब हुआ है, बुद्ध से ये शास्त्रों में सब रिकॉर्ड हुआ है, इब्राहिम का रिकॉर्ड नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? इब्राहिम जो आया था, इब्राहिम का रिकॉर्ड ये शास्त्रों में नहीं हुआ है। वो जो सप्तमी अवस्था होता है उस समय
थोड़ा छूट रहा था इसलिए वो जीव नहीं गिना जाता है। क्या कहना चाहते किसी समझ में आया? इब्राहिम जो होता है ना वो जब आता है उसमें कुछ अवस्था ठीक होता है इसलिए उसमें दिन नहीं गिना जाता, दुख चालू नहीं होता है। और उनका कहना है कि दापण में थोड़ा दिन तो दिन नहीं गिना है, दिन तो तब गिना जाए जब सूर्य की किरणें देखने में आए। सूर्य की किरणें सतयुग त्रेता में आत्मा रूपी देखने में आती है कि द्वापर कलयुग में भी देखने में आती है? ये आत्मा रूपी किरणें सतयुग और त्रेता में देखने में आती है, उसके बाद वो किरणें लोप हो जाती है, एक दूसरे को कोई आत्मा नहीं देखता, दिखाई नहीं देती, देह दिखाई देती है, इसलिए अंधेरा है। हाँ जी, ये दापण का 200-300 साल दिन नहीं गिना जाता है, थोड़ा सुख होता है, थोड़ा सुख है लेकिन दुख भी है, क्योंकि द्वापर के आदि से ही भूकंप हो गया। सतयुग त्रेता में कोई भूकंप नहीं, कोई प्राकृतिक हस्तक्षेप नहीं होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती ही नहीं है सतयुग त्रेता में, द्वापर कलयुग में आती है। और दुख शुरू होता है तो दिन तो गिना जाता है, दिन नहीं गिना जाता। कैलेंडर 2500 साल से कम है, कैलेंडर तो तब बनते हैं जब आदमी को दुख महसूस होने लगता है ज्यादा, पहले तो कैलेंडर होने की बात ही नहीं है। और बाबा लक्ष्मी नारायण को प्रकाश की दुनिया में दिखाया और राधा कृष्ण को पेड़ पौधे की दुनिया में, तो फिर कृष्ण को डांस करते हुए दिखाया गया, कृष्ण का पांव टेढ़ा क्यों दिखाया गया? वहाँ डांस नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, लुद्ध होकर के बैठे रहेंगे क्या? ज्ञान डांस की बात, फिर वही ज्ञान डांस की बात। अरे वहाँ डांस करना, संगीत गाना, नाटकबाजी करना, चित्रकारी करना, खेल खेलना, यही धंधा होगा जो आजकल क्लबों में होते हैं। सिर्फ क्लबों में जो विकारी वाइब्रेशन होता है वो वहां नहीं होगा, और सारी मस्ती ही मस्ती होगी। ये यहाँ की बात है, जहाँ शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल इतनी होती जावेगी कि दुख महसूस ही नहीं होगा। और आत्मा में जब खाद पड़ती है तो आत्मा मुलम्मे की बन गई है, तो मुलम्मे मतलब क्या? मुलम्मा उसे कहते हैं जिसमें खाद का अंश ज्यादा हो जाता है और असली सोना कम रह जाता है। हाँ जी, हाँ जी, लक्ष्मी को कैसे बुलाना सकते हैं? बोले विजय माला को बुलाओ बुलाओ बोलते हैं, तो कैसे बुलाना सकते हैं विजय माला को? कैसे बुलाएंगे? जब माउंट आबू जाते थे बेसिक में तो ब्रह्मा बाबा को कैसे बुलाते थे, आवाहन करते थे? अरे माउंट आबू गए कि नहीं गए? नहीं गए, गए थे फिर वहां देखा नहीं, सारी सभा बैठी रहती थी, लगन क्या रहती थी कि बाबा आए आए आए, अंदर से जो लगन है वो ही आवाहन करना है।
कि पहले आपको कहा जाता है कि आप बताओ, आप सुनाओ, लिखा पट्टी बाद में, कागजी घोड़े तो बाद में दौड़ते रहेंगे, क्योंकि ये कागजी घोड़ों से प्रश्न का पूरा समाधान तो मिलता नहीं है। सामने बोलेंगे तो आपसे पूछेंगे तो आप समाधान देंगे कि ये प्रश्न नहीं है, ऐसा है। और दो हजार अठारह के बाद क्या होगा जो अभी भारत, भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा हुआ है, माने प्रयत्नशील है या पा चुका है, अभी प्रयत्नशील है, संपन्न नहीं है। 2018 के बाद क्या होगा? पाना था सो पा लिया, फिर चिंतन करने के लिए कुछ है? नहीं रह जाता है। और रूप में पहले जो तैयार हो गया है, पहला जोड़ा तैयार हो गया, जोड़ी का खेल है तो सिंगल चाहते हो क्या? नहीं नहीं, अभी तो मंथा में चल रहा है ना, तो उसमें प्रैक्टिकल में भी जाएगा। एक होता है मनसा, एक होता है वाचा, और एक होता है कर्मणा। वाचा तो बहुत चलाते रहते हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम होते हैं। कर्मेंद्रियों से करके दिखा दे, वो प्रैक्टिकल पार्ट है। तीसरा पार्ट जो विष्णु का है वो ही है, वो जब तक नहीं निकलेगा तो जोड़ी कहाँ से बन जाएगी? तो हो जाएगा ना, पहले भी हो सकता है। और बच्चों का उद्देश्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, संकल्प सबका एक क्यों नहीं मिलता है? संकल्प सबसे कटता क्यों है? देश सबका नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। सब नारायण बनते हैं क्या? तो संकल्प भी अलग अलग रहेंगे। जस्ट कैसे मिलेगा बाबा साहब? है हाँ, इसीलिए नहीं मिल पाता कि सब लक्ष्मी नारायण बनते नहीं है। अब्बल नंबर के लक्ष्य तो है नर से नारायण बनना, लेकिन नर से नारायण तो एक ही बनेगा 100%, और बाकी नंबर वार बनेंगे, तो संस्कार भी नंबरवार ही होंगे। एक ऐसा होगा जिसके संस्कार बड़े से बड़ा राजा होगा, मिनिस्टर होगा, कलेक्टर होगा, छोटे से छोटा आदमी भिखारी होगा, उसके साथ भी मिल जाएंगे। बाकी के संस्कार सारी दुनिया से नहीं मिल सकते। अमृत निकलता है दूध को मंथन करने से, अमृत निकलता है दही को मंथन करने से, पानी का मंथन करने से अमृत नहीं निकलता। एक भगवान बाप ही है जो मंथन करके बाहर निकालता है, वो मंथन है सागर से जो निकलता है। बाकी जो भी नदियां हैं उनमें जगदम्बा भी है, लक्ष्मी भी है, वो सागर का मंथन नहीं करती है, उनमें पानी भरा हुआ है।
पानी का मंथन करने से अमृत नहीं निकलेगा, अमर नहीं बनेंगे। और आत्मा में अंदरूनी शक्ति कहाँ से आती है? बाप की याद से आती है। व्याख्या क्या होता है बाबा, अंदरूनी शक्ति क्या माने हो सकता है? याद ही माना है, चैतन्य आत्मा है, याद करती है। जो जड़त्व तो शक्तियां हैं वो याद नहीं करती हैं, वाइब्रेशन से शुद्ध बनती है। मनुष्य वाइब्रेशन बनाता है, दूसरी चैतन्य आत्माएं उस वाइब्रेशन को ग्रहण कर लेती हैं। मनुष्य के अलावा दूसरे प्राणी वाइब्रेशन बना नहीं सकते। लेकिन ग्रहण करते हैं, जड़ प्रकृति के पांच तत्व भी कण कण में ये शक्ति है, उस वाइब्रेशन को ग्रहण करने की। लोग तो कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परंतु वो अर्थ को नहीं जानते हैं कि परमात्मा क्या और परमपिता क्या। हम बच्चे तो अर्थ को जानते हैं कि परमपिता को कण कण याद नहीं करता है, कण कण में परमपिता नहीं समाता है। कीट पशु पक्षी कीड़ों मकोड़ों में परमपिता नहीं समाया हुआ है, मनुष्य मात्र में परमपिता नहीं समाया हुआ है। परमपिता तो सिर्फ एक व्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो है परम आत्मा, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, जिसको सब मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माएं याद करती हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं निराकार ज्योति बिंदु में आस्था रखती है, क्योंकि उन्होंने धर्मों के धर्म पिताएं निराकार को ही मानते हैं, साकार को नहीं मानते। लेकिन उनके फॉलोअर्स इतनी ताकत नहीं रखते हैं जो निराकार को खींच सके। महाविनाश के टाइम पर तो किसको याद करते हैं, वो भी ओ गॉड फादर को याद करते हैं। उनके मुख से भी निकलता है हमारा बाप आ गया, तो सब मनुष्य मात्र की बुद्धि में तो परमात्मा समाया ही होता है, लेकिन उनके याद के वाइब्रेशन से जो जड़ और चैतन्य दूसरी आत्माएं हैं उनमें भी वो याद का वाइब्रेशन समा जाता है, वो कण कण सात्विक बन जाता है। अभी तो सारी दुनिया की कण कण तमो प्रधान है, कोई ज्यादा तमो प्रधान है, कोई कम तमो प्रधान है। एटम बम में जो कण यूज किया जा रहा है वो अति तमो प्रधान है। वो भी सतो प्रधान बनेगा। और अभी जो आपने ये अभी में चला हुआ अभी सारा क्या गीता भगवान कौन सा देश है? त्रिनिदाद।
Trinidad. ये तीनों डेड नहीं होते हैं, माने तीन, नहीं माने नहीं, थ्री नहीं, डेड। ये हमेशा रहते ही हैं इस सृष्टि पर। कौन कौन? ब्रह्मा भी रहता है तो विष्णु भी रहता है तो शंकर भी रहता है, भले कोई पहचान ना पाए लेकिन तीनों पार्टधारी सृष्टि पर सदैव ही रहते जरूर हैं। उनकी ये खासियत बताई, क्या खासियत याद कर ली? रिपीट करो। अरे अभी अभी तो बताई, हाँ, कि वो गीता का भगवान सिद्ध करेंगे, तीनों मिलकर के सिद्ध करेंगे या एक या दो मिलकर के सिद्ध करेंगे? तीनों ही मिलकर के एक हो जाएंगे। इसलिए किसी ने पूछा है, ये तीन टांग की दौड़ 2018 से पहले होगी या बाद में होगी? गीता का भगवान सिद्ध होने का टाइम कौन सा होगा? जब ये तीनों टांग मिलकर के एक हो जाएं। और सारी रात सो नहीं सकते हैं? सारी रात सो नहीं सकते, अच्छी बात है ना, कुछ न कुछ तो याद करेंगे। हाँ, तो जब जागो तब याद करो। हाँ, जब जागे तब भोर। बाबा सृष्टि में दो ही चीजें मुख्य हैं, स्वर्ग और नरक। तो स्वर्ग और नरक की स्थापना कौन करते हैं और किसके द्वारा करते हैं? बताओ है? कौन करते हैं पहले ये बात? राम ही राक्षस बनता है। स्वर्ग स्थापन करने के बाद रावण बनता है या पहले रावण बनता है? पहले विनाश होगा या पहले स्थापना होगी? अब बताओ। पहले स्वर्ग की स्थापना होगी और बाद में? हाँ, तो रावण कब बनता है? विनाश रावण करता है या व्यभिचारी राम करता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम विनाश करता है या मर्यादाहीन रावण विनाश करता है? राम ही रावण बनता है, तो कब बनता है?
स्थापना स्वर्ग की होने के पहले बनता है राम रावण या बाद में बनता है? अरे तो बाद में बनता है। अरे स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? 100% स्वर्ग मेरा है तो 100% नरक भी मेरा है। एक बात का हल हो गया कि स्वर्ग की स्थापना कौन करता है? कहेंगे शिव बाबा, ये तो पक्का हो गया। फिर दूसरी बात, किसके द्वारा स्वर्ग और किसके द्वारा नरक? मीडिया कौन बनता है स्वर्ग स्थापन करने के लिए और नरक स्थापन करने के लिए? राम नहीं मीडिया बनता है। ब्रह्मा माने क्या? वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले के रूप में स्वर्ग स्थापन हुआ क्या? नहीं हुआ। उसके मंदिर नहीं बनते हैं। किसके मंदिर बनते हैं? जब नारी रूप धारण करता है। ये नहीं कहा नर द्वारा नरक, ये कहा नर द्वारा नरक, ये नहीं कहा नारी द्वारा नरक। नारी द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं और नर द्वारा नरक बनता है। कान चौड़े हो गए क्या? और गुलजार दादी के तन में तो ब्रह्मा बाबा ही बोल रहा है। ब्रह्मा को भी बहुत प्यार है। ब्रह्मा को भी यूपी से बहुत प्यार है। किससे? यूपी से। क्यों? ब्रह्मा को यूपी से प्यार नहीं होगा? यादगार कहाँ बनी हुई है बिठूर? जो भी प्रत्यक्षता है वो कहाँ से होती है? बाप की प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता कहाँ से होती है? यूपी से होती है। तो क्या ब्रह्मा के बगैर हो सकती है? ब्रह्मा के बगैर शंकर का अस्तित्व होगा क्या? नहीं। कानपुर के पास बिठूर है जहाँ ब्रह्मा की यादगार है। हाँ जी, जगह का नाम है? जगह का नाम है। हाँ जी, हाँ जी। सूर्य उदय होता है पूर्व बंगाल से। हैं? सूर्य उदय होता है पूर्व बंगाल से। हाँ जी, यूपी पूर्व बंगाल से उदय नहीं होता है। आसाम का जो अरुणाचल प्रदेश है जिसे ईशान कोण कहते हैं भारत का, वहां से सूर्य उदय होता है। जिस ओर भूटान है उसी दिशा में और आगे बढ़ जाओ तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुण माने सूर्य, सूर्य का अंचल है जहां से सूर्य उदय होता है।
उसका मुख्य काम है जो उदय होता है अरुणाचल प्रदेश कहो ईशान कोण कहो उस उदय होने वाले का उतना गायन नहीं है जितना अस्त होने पर गायन चलता है। आठ देवताओं में से एक मुख्य देवता है जो ईशान कोण में दिखाया जाता है जिसके लिए गायन है आखिरी समय का गायन है जो मुरली में भी बोला है। क्या बोला है? बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। तो उस देश का नाम पड़ा है भूटान। भ्रू माने भौह। ये भौह जब तन जाती है तो दुनिया का विनाश हो जाता है। इसलिए रामायण में ये गाया हुआ है ब्रकुटी विलास सृष्टि लय होई सपने हूँ संकट पर ही किसोई। उसके ब्रकुट के विलास मात्र से ही दुनिया का विनाश हो सकता है हो जाता है। वो भूटान छोटा सा देश है दुनिया में अभी तक भी राजाई चल रही है वहां। सब देशों की राजाइयां खत्म हो गई। नेपाल में भी राजाई खलास हो गई। खलास हुई या खलास कर दी? खलास करा दी गई विरोधी तत्वों के द्वारा। लेकिन एक भूटान ही ऐसा है जहां राजाई किसी ने खत्म नहीं करने पाई। वो राजा ने स्वतः ही वो परंपरा चालू कर दी। वहां की प्रजा आज भी उतनी ही वफादार है। और प्रेरणा काय से होती है? मुख से प्रेरणा की जाती है या आंखों से प्रेरणा की जाती है या कान से प्रेरणा की जाती है या हाथों से प्रेरणा की जाती है जैसे जादूगर करते हैं? हाथों से प्रेरणा की जाती है या पांव से की जाती है या डांसर की तरह डांस करके की जाती है? प्रेरणा काय से होती है? हाँ, तो ये तीसरा नेत्र है जो शंकर को दिखाया जाता है। वो पकड़ में नहीं आएगा। इंद्रियां तो पकड़ में आ सकती है। इसलिए मुरली में बोला है बड़ा बंदर कभी पकड़ में नहीं आता है। तो ये टाइटल चेंज होना चाहिए है? टाइटल चेंज होना चाहिए। क्या टाइटल? वो ही तो विनाश कराता है वाइब्रेशन से। अरे प्रेरणा करता कौन है? संकल्प चलाता कौन है? किसके संकल्प में इतनी ताकत है? दही कुटिया में आग बाबा चले। दही कुटिया में आग बाबा चले है।
लगा कर देखा। अपने ही घर को अपने हाथ से आग लगा दे, किसमें ताकत है इतनी? इतना नष्टो मोहा चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो शंकर का नाम गलत रख दिया सही रख दिया? बोलो ना। अरे तो उन्हें तो बोलने दो। है? हम बोलेंगे क्यों, हमारे ही मुंह है। आप सच्चाई नहीं उगल सकते। हाँ हाँ, वो थोड़ा ही करता है, वो तो करवाता है, है? पकड़ में नहीं आता है क्योंकि कोई प्रूफ नहीं मिलता। और बाबा ने बोला ब्रह्मा से नरक का सृष्टि होता है, दामन कलि युग है। सुना है प्रजापिता द्वारा अब दामन कलि युग का अवसर मिल गया है। हाँ ठीक है, गलत क्या है? ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कौन है असली वास्तव में, सही शक्ति वाला? दादा लेखराज। वो माँ का रूप है, सही शक्ति को धारण करने वाला। सहन शक्ति जहाँ होगी वहाँ ही अहिंसा हो सकती है। सहन शक्ति नहीं होगी तो हिंसा होगी। सामना करने की शक्ति अलग बात और सहन करने की शक्ति अलग बात। धरणी क्या करती है? सहन करती है। सागर क्या करता है? लहरों के द्वारा सामना करता है और अपने में समा लेता है। तो ये सागर का काम है। वो हिंसक राजा ही है। नर क्या करता है? हिंसा से नरक बनता है या हिंसा से बनता है? हिंसा से बनता है। एक के अंदर दोनों विराजमान है। चाहे स्वर्ग का वर्षा लो, चाहे नरक का वर्षा लो, चाहे दोनों ले लो। 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब ऑटोमेटिकली बन जाता है। क्या द्वापर कलयुग में सुख नहीं होते हैं? होते हैं। अल्प तो सतयुग में भी हैं। कोई सदाकाल नारायण बन के नहीं रह सकता है? रह सकता है? नहीं। हाँ, द्वापर कलयुग के मुकाबले जो सतयुग त्रेता की राजाई है उसका ड्यूरेशन लंबा है। और युग में शंकर का क्या काम? सतयुग में शंकर का क्या काम? राजा ही करना। बाप बच्चे को राजा ही दे देता है, फिर बाद में शरीर छोड़ता है कि नहीं? शरीर छोड़ेगा फिर नंबर आएगा तो फिर राजा ही करेगा। जो भी नई राजाई नई नया नया डायनेस्टी शुरू होगी वो शुरुआत कौन करेगा? बाप ही करेगा। वो चाहे सतयुग के देवताओं की डायनेस्टी हो, चाहे त्रेता के चंद्रवंशियों की डायनेस्टी हो, राजाई की शुरुआत कौन करेगा? कौन करेगा?
बाप ही करेगा, वही करेगा। इसमें तो राजा ही चलती है। राजा ही नहीं चलती है, लेकिन राजाओं जैसे ठाट फाट तो वही होते हैं। जो लक्ष्मी नारायण का ताम झाम है ढेर सारा, केसगीर किसका लंबा दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का। ऐसे ही जो बड़े बड़े शंकराचार्य होते हैं उनके चांदी के सिंहासन साथ साथ चलते हैं, तो राजाओं महाराजाओं से कम नहीं है। आज के मंत्रियों को तो यूं चुटकियों में वो इधर से उधर कर देते हैं। है, तो जब मैं बच्चे को राजे देकर के बाबा माँ थोड़े दिन के लिए तो वो फर्स्ट दर्शन बन जाता है। अच्छी बात है, तुम नहीं बनते हो तो अपने बच्चों को देते क्यों नहीं, कि काट मार के फेंक देते हो, मुसलमान तो नहीं बनते। अच्छा है उसके लिए शूटिंग पीरियड चला गया, माने प्रजा वर्ग में चला गया, प्रजा वर्ग में शूटिंग करे, चाहे दास दासी की शूटिंग करे, चाहे चांडाल पाने की शूटिंग करे, कुछ भी करे, फर्स्ट क्लास प्रजा बने, सेकंड क्लास प्रजा बने, थर्ड क्लास प्रजा बने, प्रजा में जाएगा लेकिन राजाई में, राजाई में नहीं आएगा। हाँ जी, इक्कीस जन्म के लिए हिसाब लगा रहे हो या 20 जन्म का हिसाब लगा रहे है? हाँ, तो 21 जन्म से पहला जन्म कौन सा गिनेंगे है? 21 जन्मों में से पहला जन्म कहाँ से गिनेंगे? संगम युग कैसे हुआ? संगम युग में प्रैक्टिकल कुछ मिलता है क्या? प्रैक्टिकल ताजधारी राजाएं होते हैं क्या? वो तो बेताज बादशाह ही हो, वहां ताज नहीं होता है। ताज कहाँ से शुरू होगा है? सतयुग से शुरू होगा, नई दुनिया से शुरू होगा। वहां से 150 वर्ष गिनो। और नमस्ते नारायण, नमस्ते नारायण, 76 से नारायण, हाँ जिसके पास होगा 76 से 2008 अरे 76 से लेकर के 2036 तक मन का सुख है, आत्मा का सुख है या शरीर का सुख है? शरीर और आत्मा दोनों का सुख सतयुग त्रेता में होगा। यहाँ संगम में आत्मा पावरफुल बनाई जाती है, शरीर तो सड़ते जावेंगे। ब्रह्मा बाबा को 21 जन्म का संगम जन्म का नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, वो विक्रेता में 13 जन्म किया जाता है। हाँ, तो 21 जन्म का मिलता है ना, ड्यूरेशन तो वही होता है ना, चाहे 13 जन्म ले चाहे 12 जन्म ले। हाँ, ड्यूरेशन तो, अरे जन्म तो 21 गाए जाएंगे ना, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 21 बारी उनको प्राप्ति तो होगी ना। और बोलने में आया हमारे दर्शन की एक बाबा इसीलिए एक तरफ। आज में तो सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ थी, तो जो आदि में तो अंत में भी होगा। कब हुआ आदि और कब हुआ अंत है?
यज्ञ के आदि में हुआ आदि और अंत है कहाँ खत्म हुआ? बीच में नहीं हुआ? अरे 76 में सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ नजर नहीं आई? जब एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है तब और फिर अंत भी होगा। आठरा के पहले तो एक ही होगा शुरुआत में, जिसको आठ फॉलो करते हैं पूरा पूरा, बाकी संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। है कैसी कैसी कौन सी ऐसी बात होगी जो सभी अलग हो जाएगा? सभी अलग हो जाएगा मतलब क्या? बात हो जाएगा जो सब छोड़ के चले जाएंगे? अभी विश्वास क्यों टूटता है? यज्ञ के आज में कौन सी बात को लेकर के विश्वास टूटा था जो एंटी होम मंडली खड़ी हो गई? सच्चा जुड़ेंगे, वही बात वहाँ भी सच्चा जुड़ेंगे। अभी परसेंटेज कम है, आगे चल के परसेंटेज बढ़ जाएगा। अरे दूर क्यों जाते हो? यहाँ कलकत्ते में तो वृक्ष बना हुआ है, बीज है हर बात का। हाँ, रविंद्र भाई को जब जेल हुआ था तो क्या हालात बन गए थे? कितने लोग यहाँ आते थे? कोई क्लास करने वाला था जो आता था? है कम नहीं, सारे ही उड़ गए। आज की दुनिया अखबार वालों की दुनिया है, टीवी वालों की दुनिया है, इंटरनेट वालों की दुनिया है। पब्लिक के दिमाग को यूं ही घुमा देते हैं। और अर्जुन तो एक लोग को टाइटल ले लिया, अर्जुन तो एक लोग को टाइटल ले लिया, तो अर्जुन को टाइटल है एक लोग को टाइटल दिया और जो मार्च शिकार कर कर लिया। क्या बोल रहे हो? मार्च वर्ष के चलते जो दिन मिला है इसलिए उसको एक लोग को टाइटल दिया। तो आपको बादशाह को एक लोग को टाइटल देने के लिए क्या करना चाहिए? मछली का ऊपर जो तीर लगाते हैं पूछ रहा है कि अर्जुन को एक लोग का पानी लगा क्या कोई चीज है? एकलव्य का टाइटल अर्जुन ने नहीं लिया। एकलव्य जो है वो एक को प्यार करने वाला भील था। एकलव्य ने तो जो पढ़ाई पढ़ी है वो राज परिवार में रह करके पढ़ी है, ऐसे नहीं है। कहाँ पढ़ी है? जंगल में रह करके पढ़ाई पढ़ी। राज परिवार के गुरु ने इनकार ही कर दिया। वो अर्जुन की बात नहीं है एकलव्य। आपको बादशाह बनाने के लिए एक लोगों का टाइटल क्या करना चाहिए? आपको बादशाह बनने के लिए टाइटल क्या करना चाहिए? सारा वर्षा एक को दे देना चाहिए। लौकिक हो अलौकिक हो पारलौकिक हो, माँ की बुद्धि कहाँ लगी रहती है? बच्चे में ही लगी रहती है, दूसरी तरफ जाएगी क्या? और जहाँ हमारा मन बुद्धि जाएगा वहाँ हमारा तन जाएगा, ये पहचान है। मन बुद्धि कहाँ जा रही है इसकी पहचान कैसे होगी? जहाँ तन भागा भागा जा रहा है, एक बार नहीं बार बार, जितनी बार काउंटिंग की जाए उतनी बार तन कहाँ भागेगा? माँ का तन
बच्चे के पीछे भागेगा। और अर्जुन तो ब्रह्मा बाबा होंगे ना। जो पुरुषार्थ का सबसे ज्यादा अर्जन करे वो हुआ अर्जुन। अब बताओ पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, आत्मा के सुख के लिए सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किसने किया? राम वाली आत्मा ने ज्यादा आत्मा का सुख लिया। आत्मा का सुख शरीर के द्वारा मिलता है या बिना शरीर के मिलता है? तो शरीर के द्वारा आत्मा का सबसे जास्ती सुख किसने लिया? है छोटी माँ राजा ही प्राप्त करती है। फिर राजाओं को ज्यादा सुख होता है कि पराधीन को ज्यादा सुख होता है? फिर कैसे कहते छोटी माँ? छोटी माँ तो आधीन है, पराधीन सपने सुख नाई है। योगिनी माँ, योगिनी माँ रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? तो रुद्रमाला के मणके शरीर का सुख ज्यादा लेंगे। जो पहले नंबर का मणका है वो ही नहीं ले पाता शरीर का सुख है। दादा लेखराज की आत्मा ब्रह्मा की सोल ने जितना आत्मा का शरीर के द्वारा सुख भोगा है जन्म जन्मांतर, इतना और किसी आत्मा ने नहीं भोगा है। आत्मा का भी सुख और शरीर का भी सुख। ये तो अपनी अपनी चाह है, किसी की चाह है। संसार में हमारा, हमारे बाप का, लौकिक का, पारलौकिक का नाम वाला हो, यही सबसे बड़ा सुख है। एक का एक की चाह है, अरे नाम वाला हो चाहे बाहर में जाए। हमको तो शरीर का सुख जितना मिले उतना ले लो, शरीर ही खत्म हो जाएगा तो क्या सुख रहेगा इस दुनिया में? क्या चाहिए? नाम शरीर रहते रहते चाहिए या शरीर छूट जाए तो भी चाहिए? अच्छा ब्रह्मा बाबा है। और हाँ है जिगरी, तीव्र पुरुषार्थ उसे ही कहेंगे जहाँ सदैव उड़ती कला बनी रहे। हमारे से आगे पुरुषार्थ में कोई आगे न जा सके। आत्मा के कल्याण के लिए हम जितना कार्य करके दिखाए उतना कोई दूसरा न करके दिखाए। हमारी आत्मा का जितना कल्याण हो उतना और कोई की आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। और अपना कल्याण दूसरों के कल्याण में ही छुपा हुआ है। जो औरों के कल्याण में लगा रहता है उसकी अपनी आत्मा का कल्याण स्वतः ही होता रहता है। तीन पैर पृथ्वी बोलते क्या बोला? तीन पैर पृथ्वी। ट्रेन में तुम्हें रिजर्वेशन करवाते हो तो कितनी पृथ्वी मिलती है सोने के लिए?
अरे कितनी जगह मिलती है? तीन पैर पृथ्वी मिलती है, तो पांडवों के लिए वो तीन पैर पृथ्वी का ही गायन है। तुम्हें चैन से सोने के लिए तीन पैर पृथ्वी चाहिए, इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए। पश्चाताप की आग से बचने का साधन है सब प्राप्ति स्वरूप बनना। ये सर्व प्राप्ति क्या क्या होती है? मन की संतुष्टि हो गई, सब प्रकार की प्राप्ति हो गई, जो पाना था तो पा लिया। क्या पाना था है? अरे ऐसा क्या है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है? अरे बेहद के बाप में सब कुछ समाया हुआ है, बेहद का वर्षा समाया हुआ है, और क्या चाहिए? बाप दादा नहीं किसी को छोड़ते, झूठ बात, झूठ बात है। बाप दादा तो भी नहीं छोड़ता, बाबा कहता है मैं सब को ले जाऊंगा, एक को भी छोड़ूंगा नहीं। ये तुम झूठ बोलते हो। ऐसे ही ले सबको ले जाओ। बच्चे खुद छोड़ के चले जाते हैं, बाप किसी को नहीं छोड़ता। बाबा घर में जो भी माताएं रहती हैं, उन माता लोग बाबा के घर में कोई सेवा नहीं कर पाते, तो माताओं को कर्मणा सेवा की क्या रिजल्ट होगी? दिल तो चाहती है कि बाबा के घर में मैं भी सेवा करूं, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है? ढेर की ढेर माताएं हैं जो सेवा की इच्छा होते हुए भी नहीं कर पाती। अब माताएं ये सोचना बंद कर देती है कि बाबा ने हमें वरदान दिया हुआ है, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जब पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा तो हमारा सारा परिवार पक्की गीता पाठशाला हो गई या नहीं हो गई? आज नहीं तो कल पूरा परिवार क्या बन जाएगा? पक्की गीता पाठशाला बन जाएगी। और गीता पाठशाला वालों के लिए बोला है, गीता पाठशाला का नक्शा कैसा बनाओ? मधुबन जैसा बनाओ। अरे तुम्हारे घर में ही मधुबन है। जो भी भाती हैं, बाप के स्टूडेंट हैं, आज नहीं चलते हैं कल, कल चलने लग पड़ेंगे। तो घर में ही सेवा ढेर सारी पड़ी हुई है। क्या घर के सदस्यों को, अपनी गीता पाठशाला के सदस्यों को संतुष्ट करना सेवा नहीं है? हाँ? सेवा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पूर्व जन्म में जब हमने अच्छे अच्छे काम किए हैं, दुनिया वालों को सुख देने के काम किए हैं, तो वो अच्छे कर्म की रील घूमती है तो हमारा पारा ऊंचा चढ़ जाता है। और जब पूर्व जन्मों में खराब काम किए हैं
और वो रील घूमना शुरू होती है तो हमारा पारा कितना भी चाहे अच्छा सा अच्छा पुरुषार्थ करें तो भी डाउन हो जाता है। ये किसने मना किया? परिवार वाले तो चलने लगेंगे हैं, परिवार वाले लोग तो चलने लगेंगे आपको ले, मगर जिसके परिवार जो अपना जल्दी को जो सहयोग देते हुए कभी कभी बोलते हैं कि प्रत्येक रविवार को क्लास नहीं करने देंगे, बाबा आएंगे तभी जाने देंगे, और तो क्लास करने से ही भाग्य बनता है क्या? बाबा को याद करने से भाग्य नहीं बनता तो करो। सेवा देने के वक्त में बोलते हैं कि सेवा बाबा नहीं लेंगे फिर दे देंगे, तो कैसे क्या होगा बाबा? क्या रुपए पैसे की सेवा से ही बाबा खुश होते हैं? बाबा वो तो नहीं है। हाँ। वो तो नहीं है, मगर हम लोग जब आते हैं महीने में एक ही बार आने में ना आओ, मना कर दिया मत आओ। लगन इतनी होनी चाहिए, दृढ़ता इतनी होनी चाहिए कि दुनिया हमको रोके तो भी हम रुकने वाले नहीं है। मगर जाने के बाद बोलते हैं कि बाबा ने क्या दिया, लोटा दे दिया। हमें बाबा ने बहुत कुछ दे दिया। आप अपने चेहरे से लटका हुआ चेहरा क्यों दिखाते हैं? न दिखाइए ना। आपकी प्रसन्नता ही उनको सुख दे देगी, बजाय प्रसन्न होने के, बजाय प्रसन्नता भरा चेहरा दिखाने के लाल लाल आंखें कर देना, ऊंट पटक बोलना लग पड़ना, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना, कोहराम मचा देना, सर्विस होगी डिसर्विस होगी? डिसर्विस हो जाती है। अरे माताएं हैं तो माताओं को क्या करना है? क्या करना है माताओं को? माताओं की माता ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सहन किया, अपना धर्म निभाओ पहले, दूसरों की नकल नहीं करना है। ये पैसे से इतना मदद करता है, ये कर्मेंद्रियों से कर्मणा सेवा करके इतनी मदद करता है, नहीं। अरे हमारे पास भी भगवान ने बहुत कुछ ताकत दी है। बांदेली माताओं को सबसे बड़ी ताकत कौन सी मिली हुई है? बांधेली माताएं जितना याद कर सकती है उतना और कोई भी गहराई से याद नहीं कर पाता। अपनी शक्ति को भूल जाते हैं और दूसरों को देखने लग पड़ते हैं। ओम शांति।